प्लेऑफ की लड़ाई हुई रोचक, हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हराया, टीम डेविड की पारी नहीं आई काम। तो क्या बुरी खबर दोस्तों, जाने के लिए बने रेडियो में लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आईपीएल 2022 के 65वें मैच में हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 रनों से हरा दिया है। 194 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम 20 ओवर में 190 रन बना पाई। मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 48 रन कप्तान रोहित शर्मा ने बनाई, वहीं इमरान मलिक ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। मुंबई के लिए आखिरी ओवर में टीम डेविड ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों पर 46 रन बना दिए। उनके बल्ले से 3 चौके और 6 छक्के निकले। ऐसा लगा कि वो मैच मुंबई के पक्ष में ले जाएंगे, लेकिन वो 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गई। 194 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम शुरुआत शानदार रही थी। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पहले विकेट के लिए 66 गेंदों पर 95 रनों की साझेदारी की। इस साझेदारी में रोहित के बल्ले से 36 गेंदों पर 48 रन तो वहीं ईशान के बल्ले से 30 गेंदों पर 38 रन निकले। रोहित एक बार फिर अर्धशतक नहीं लगा पाए। आईपीएल 2022 में रोहित के बल्ले से एक भी 50 नहीं निकली है। उन्होंने अपनी 48 रनों की पारी में 4 छक्के और 2 छक्के लगाई। सो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की हार और हैदराबाद की जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। और आईपीएल से जुड़ी इसी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।